नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के शराब की जगह सैनिटाइजर पीने से 9 लोगों की मौत, पुलिस कर रही जांच। जम्मू कश्मीर में 31 और 1 की जगह 1 और 2 अगस्त को होगा अवकाश, बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षिक संस्थान। पंचकुला में 34 नए कोरोना संक्रमित केस, एक्टिव केस 300 हुए। मंत्री संदीप सिंह बोले, खेलो इंडिया के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं अंबाला के लिए खेल परिसर। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत, एक की आंख की रोशनी गई। पंजाब में 19 IPS, 14 PPS अफसरों का तबादला, 13 जिले के SSP भी इधर से उधर। घर के पास घास के बीचों बीच दुकानदार की लाश, नानौद में हड़कंप भर, मोटी खुर्द का रहने वाला था। पुलिस विभाग पदोन्नति को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री में फिर शुरू हुआ तकरार। अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश में 9 लोगों की शराब की जगह कथित तौर पर सैनिटाइजर पीने से मौत हो गई। यह घटना प्रकाशम जिले में घटित हुई है। मामले पर DSP के प्रकाश राव ने कहा, 3 भिखारी, 3 रिक्शा चालक और 3 कुली ने शराब की बजाय सैनिटाइजर का सेवन कर लिया। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी अन्य की नींद में ही मौत हो गई। इस मामले की जाँच की जा रही है। हरियाणा में अगले साल होने वाले खेलो इंडिया नेशनल गेम्स की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए अंबाला के खेल परिसरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेलो इंडिया 2021 का पूरा आयोजन अगले साल के अंतिम महीनों में किया जाएगा। वर्ष 2008 में हरियाणा में सीधे इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती हुए इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों को हाई कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद DSP बनाए जाने पर गरारी फंस गई है। हालांकि सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को DSP बनाए जाने की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, किंतु सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कुछ आधिकारिक तौर पर फाइलों को रोक दिया है। 10-15 साल से ये केस चल रहा था और हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, तो उनकी प्रमोशन बनती थी, हमने उनको DSP बना दिया। नहीं, रुकने का तो मुझे पता नहीं है, मैंने तो कल वो क्लियर कर दी थी, इनका DSP बनने की जो फाइल मेरे पास आई थी उसको मैंने तो साइन करके मुख्यमंत्री जी के पास भेज दिया गया था। अब वो कहाँ रुकी है, किसने रुकी है, कौन रुकवा रहा है, मैं नहीं जानता। क्या डिमांड है हमारी? अभी हम 2008 बैच के इंस्पेक्टर गृह मंत्री साहब से, विज साहब से मिले थे, और जो हमारा मंडे को हाई कोर्ट में डिसीजन आ गया है, बस उसको इंप्लीमेंट करने के लिए विज साहब से हम लोग ने गुजारिश की है, और विज साहब मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि जो सही है बिल्कुल वही होगा। पंजाब के अमृतसर और तरन तारण में शुक्रवार को जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। वहीं इस तरह लोगों के मारे जाने के बाद से पुलिस विभाग व प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है। पंजाब सरकार ने तत्काल प्रभाव से 19 IPS और 14 PPS अफसरों के तबादले व नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत 13 SSP भी बदल गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने SSP और DSP स्तर के 55 अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है। हमीरपुर के नादौन में दुकानदार की लाश मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि भरमोटी खुर्द पंचायत में घर से चंद कदम दूर ही दुकानदार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान विनोद कुमार पुत्र केहर सिंह निवासी भरमोटी खुर्द के तौर पर हुई है। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश TV। अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव